21 दिन का लॉकडाउन है, इसमें कुछ जैसे मेडिकल स्टोर नहीं खुले हैं, जैसे क्लिनिक खुली है तो लोग दवाओं के लिए जैसे डॉक्टर तो देख ले रहे हैं लेकिन उनको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, ऐसे में क्या कोई इन लोगों को पास जारी होगा? किसको पास? मेडिकल स्टोर वालों को। मेडिकल स्टोर को तो बंद करने के लिए कोई ऑर्डर है ही नहीं, वो तो खोल सकते हैं। अच्छा, लोग डरे हुए हैं इसलिए हमने कहा आपसे बंद करने के लिए। यस, इसलिए उन्होंने अपने स्वेच्छा से उन्होंने बंद किया ताकि लोगों का भीड़ वैसे कम हो गया, तो इसलिए वो अपने बचाव के लिए, अपना रेवेन्यू बचाव के लिए स्वयं उन्होंने बंद कर दिए होंगे। पर कुछ एसेंशियल मेडिकल शॉप्स है जो इन पर जहाँ जहाँ से हमको कॉल आ रहा है कि मुझको वही मेडिकल शॉप में मुझको मेरा दवाई मिलेगा, तो उस तरह के मेडिकल शॉप ओनर से हम स्वयं बात करके उसको खुलवा दे रहे हैं हम लोग। नहीं, थैंक यू। होता क्या है, काम हम लोग करा रहे हैं। मेडिकल शॉप्स को बंद करने के लिए हमने कोई निर्देश जारी नहीं की। मेडिकल शॉप्स है और हॉस्पिटल्स है वो तो खुला हुआ है, ठीक है, पर ओपीडी है उसमें रिस्ट्रिक्शन। ओपीडी तो लगभग सब ने बंद कर रखा है। इमरजेंसी का जो काम है वो चलता रहेगा। एंड मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहती हूँ हमारे लोगों से, किसी को भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो आप प्राइवेट व्हीकल में भी आने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो एम्बुलेंस 102 या 108 या UP 112 को आप कॉल करिए, आपको लेके आने का और वापस छोड़ने का जो काम है हम लोग करा रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, शासन के निर्देश अनुसार आपको निःशुल्क ये व्यवस्था की जाएगी। कैसे आवश्यक वस्तुएं मोहल्ले वाइज खुलेंगी, एक कल सूचना मिल रही थी। डोर टू डोर डिलीवरी के लिए वार्ड वाइज डिटेल माइक्रो प्लान हम लोगों ने बना दिया है, तो वो भी आज आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो किस वार्ड पे कौन ऐसे दुकानदार है जो सब्जी बिक्री करेगा, कौन ऐसे दुकानदार है जो दूध सप्लाई करेगा, जो ग्रॉसरीज है उसको कौन देगा, फल और सब्जी कौन देगा करके सबका नाम और फोन नंबर, और जो टेले वाले जो आ जाएंगे आपके पास उनका भी फोन नंबर और नाम उसमें लिखा हुआ है, तो उसको भी हम आपको न्यूज़ के माध्यम से भी उसका। जैसे आज सुबह मंडी में भीड़ लग गई थी मैडम, बहुत भीड़ लगी थी और बहुत महंगे सब्जी बेच रहे थे मैडम, तो वो गलत बात है, उसको तत्काल हम लोगों ने हाँ ADM साहब से बात हुई थी, उनको बताया गया था, बंद करवा दिया। तो उसको अब आगे जो मंडी है उसको ऐसे भी हम खोलने नहीं देंगे, वहाँ पब्लिक को जाना आना मना है। आप लोगों को इसलिए डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था किया जा रहा है। तो ये जो पूरा तैयार हो गया कार्य योजना अब कल से चल रहा है। कुछ एक दो जगह पे समस्या आ सकती थी क्योंकि एक दो दिन लगता है इसको पूरी तरह से फंक्शनल कराने के लिए, तो एक दो दिन में सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगेगा, फिर अपने आप जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। एक मैडम जिसे रिटेल ग्राहक है वो कह रहे हैं कि हम दवाइयाँ लेंगे कहाँ से, होलसेलर कैसी कोई सूचना की, जो थोक व्यापारी हैं दवाओं के क्या वो बंद रहेंगे? शासन में स्पष्ट निर्देश है, मेडिकल स्टोर्स एसेंशियल कमोडिटीज़ में हैं, रिटेल शॉप हो या जो भी हो, एसेंशियल कमोडिटीज़ का कहीं रुकावट नहीं है। ये कोई अफवाह चल रहा है तो संबंधित अपने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करें या शासन के जो उच्च अधिकारी से बात करें, जहाँ भी दिक्कत आ रहा है हमको अवगत कराइए, जो दिक्कत को वो हम नहीं, अगल बगल के जिलों में खुली हुई हैं दवा की दुकानें इसलिए लोग परेशान हैं। नहीं, खुली हुई है, यहाँ भी खुली हुई है, मेडिकल शॉप को बंद करने के लिए कोई ऑर्डर नहीं है। नहीं, ठीक, थैंक यू। रिटेल हो या नॉर्मल शॉप। यस यस, थैंक यू।